अरे छोड़िए ना, बीजेपी का लोग तो अभी हिमाचल हार गए, दिल्ली हार गए, तो उस पर काहे नहीं बोल रहे हैं? उस पर भी तो अपनी प्रतिक्रिया दें। हिमाचल में कितना सीट 300 वोट से 250 वोट से जीते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पोनेसर में आपके साथ अभिजीत सिंह। जनता दल यूनाइटेड में आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है और जो तमाम नेता हैं वो आ रहे हैं। इसी बीच जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी पहुंचे थे और उनसे जब पूछा गया कि आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक होना है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रहे हैं और जो तमाम लोग आ रहे हैं, देश भर के नेता आ रहे हैं, वो अपने मुद्दे को रखेंगे। और वहीं बात करें तो जो कहा गया कि 2024 बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि 2024 और 25 की तैयारी हो रही है, तो इस पर क्या कुछ करें ललन सिंह, पहले सुनिए उनकी बातों को। पहले ही पूछिए क्या क्या मुद्दे, मुद्दे क्या होंगे, जो भी वहाँ राष्ट्रीय परिषद के सदस्य जो भी आएंगे, पूरे देश भर के लोग आएंगे, जो जो मुद्दा वो उठाना चाहेंगे, वो सबों को आज़ादी है, सब लोगों को छूट है, वो अपने मुद्दा उठाएंगे, फिर बैठक हो जाएगी, उसके बाद कुछ बात होगी तो आप लोगों को बताएंगे। बीजेपी का एक मिशन 2024 और 25। अरे छोड़िए ना, बीजेपी का लोग तो अभी हिमाचल हार गए, दिल्ली हार गए, तो उस पर काहे नहीं बोल रहे हैं? उस पर भी तो अपनी प्रतिक्रिया दें। हिमाचल में कितना सीट 300 वोट से 250 वोट से जीते हैं, तो बहुत चीज है, तो उनको नहीं बोलना है। इसलिए कि आजकल देखिए मीडिया का उपयोग, पूरा मीडिया जो है वो पूंजीपतियों के हाथ में है, तो मीडिया अब निष्पक्ष रहा कहाँ? साफ तौर पर सुना ललन सिंह को, साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी वाले तो कह रहे हैं वो पहले तो देखे दिल्ली हार गए, हिमाचल प्रदेश हार गए, उस पर क्यों नहीं प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और वहीं बात करें तो ललन सिंह ने साफ तौर पर बताया कि जो जनता दल यूनाइटेड में राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है उसमें जो तमाम देश भर के नेता आ रहे हैं वो अपने मुद्दे को रखेंगे और बैठक ख़त्म होने के बाद बताएंगे कि किस किस मुद्दे पर बात हुई। और वहीं बात करें तो आज जो जनता दल यूनाइटेड के लिए बेहद खास दिन है और 10 और 11 यानी दो दिन राष्ट्रीय परिषद की बैठक को लिए खुला अधिवेशन है और जो तमाम देश भर के नेता हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, वो आज कार्यालय पहुंच रहे थे। इसी बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पहुंचे हैं और जो तमाम नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है और तमाम नेता जनता दल यूनाइटेड में पहुँच रहे हैं। और वहीं बात करें तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो तमाम 2024 का जो लोकसभा चुनाव होना है, 2025 के विधानसभा चुनाव होना, उस रणनीति पर भी बातें होंगे, क्योंकि जिस तरह से कुर्नी बाय इलेक्शन में हार मिली है तो कहां पर चूक हुई है, ये तमाम मुद्दे को लेकर बात चलेगी। और अब ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये अध्यक्षता खुद करेंगे और जो तमाम नेता हैं, जो बिहार जनता दल यूनाइटेड के जो देश भर में नेता हैं वो भी मौजूद रहेंगे, बिहार के सभी नेता मौजूद रहेंगे और ये राष्ट्रीय परिषद के बैठक में सारी रणनीति पर चर्चा चलेगी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को फिर से जो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं उनके पदभार भी दिया जाएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ फोर नेशन के साथ। नमस्कार।